वफाकी वजीर गजाई तहफ़ सैयद फखर इमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़राअत सेक्टर का 19% बराह रास्त GDP के साथ ताल्लुक है। इस साल गंदम की कुल पैदावार 27.3 मिलियन टन हुई, जो कि रिकॉर्ड पैदावार है। तारीख में इससे कबल इतनी पैदावार रिकॉर्ड नहीं हुई। उनका मजीद कहना था कि इसी तरह पाकिस्तान ने इस साल मकई की भी रिकॉर्ड पैदावार की। मकई की कुल पैदावार 8.46 मिलियन टन हुई, जबकि चावल की पैदावार भी सबसे ज्यादा इस साल 8.41 मिलियन टन हुई। इस साल मौजूदा जो हमारा गंदम का क्रॉप था, जो पाकिस्तान की पैदावार हुई है, वो 27.3 मिलियन टन हुई है। पिछले साल हमारी जो पैदावार थी वो तकरीबन 25.3 मिलियन टन थी, यानी कि उसमें तकरीबन 2 मिलियन टन का इजाफा हुआ है और पाकिस्तान की तारीख में ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। इससे पहले एक साल में 26.7 मिलियन टन तक पाकिस्तान की पैदावार थी। उनका मजीद कहना था कि गन्ने की फसल दूसरे नंबर पर रही, जबकि कपास की पैदावार में भी इस साल काफी नुकसान हुआ। कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा साल कपास की पैदावार पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, जबकि किसान को खालिस और तहकीक शुदा बीज की फराहमी के लिए भी कोशा हैं। कॉटन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी है उसमें हमारे काफी नुकसान हुआ। दो वजूहत, सिंध में टारगेट था 4.5 मिलियन बेल्स, वहाँ 100 साल इतनी बारिश नहीं जितनी पिछले साल हुई थी, स्टैंडिंग क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया और जिसकी वजह से टारगेट था 4.5 मिलियन बेल और सिंध की 2.1 हुई थी, पंजाब की 3.8 या 9 हुई। ये फिगर्स हैं PCGA के, जो हमारे ऑफिशियल फिगर है वो हम दे रहे थे, क्योंकि शायद PCGA के डॉक्यूमेंट उस तरह नहीं होते। 6.7 to 6.8 मिलियन बेल्स। सैयद फखर इमाम ने यह भी कहा कि कोशिश कर रहे हैं साइंसदान और तहकीकाती टीमों को मजीद बेहतर किया जाए ताकि मुल्क में आइंदा ज़राअत सेक्टर में मजीद बेहतरी आए। कैमरामैन नकाश मलिक के साथ मियां अब्दुल बासित, A1 TV, इस्लामाबाद।